मॉर्निंग 8th क्लास, दिस इज सेकेंड वीडियो ऑफ योर इंग्लिश इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर नंबर 1. चैप्टर का नाम हमारा क्या था, एसेंशियल इन लाइफ विटामिंस एंड मिनरल्स, जिसमें मिनरल्स और विटामिंस के एसेंशियल्स पढ़ रहे थे कि क्यों हमें लाइफ में ज़रूरी है या हमारे बॉडी को नीड है विटामिंस की और मिनरल्स की. ठीक है, विटामिन बी तक हम पढ़ चुके थे. द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन सी इन द बॉडी इज टू मेंटेन हेल्दी ग्रोथ एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉमन कोल्ड एंड फ्लू. तो मेन फंक्शन जो है विटामिन सी का हमारी बॉडी में, वो क्या है कि हमारी ग्रोथ को हेल्दी रखे, यानी प्रॉपर ग्रोथ हो हमारी, और हमारी बॉडी को किससे बचा के रखता है, जो सर्दी जुकाम, छोटे मोटे सर्दी जुकाम हो जाते हैं या फ्लू हो जाता है. ठीक है, उन सबसे. लैक ऑफ विटामिन सी इन द डाइट रिजल्ट इन वीकनेस इन द बॉडी. यानी अगर विटामिन सी की आपके डाइट में कमी है तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी. द वाउंड्स डू नॉट हील ईजिली, आपके जो चोट वगैरह लगती है वो अच्छे से, यानी जल्दी जो है वो रिपेयर नहीं होगी, उसमें से खून निकलता जाएगा, वो बार बार मतलब सही नहीं होगा जल्दी. ठीक है, द लेग्स बिकम वीक, आपके पैर जो हैं वो वीक हो जाएंगे. एंड द गम्स ब्लीड, और आपके जो मसूड़े हैं उसमें से खून निकलने लगेगा. स्कर्वी एंड ब्लीडिंग गम्स आर द साइन ऑफ लैक ऑफ विटामिन सी इन द फूड. अगर आपके मसूड़े ठीक नहीं हैं तो ये सबसे बड़ा साइन है कि आपके जो आपके बॉडी में विटामिन सी की कमी है. आपके गम्स में से अगर खून निकल रहा है, आपके मसूड़ों में से खून निकल रहा है, वो वीक हैं. इन सच डिजीजेज द गम्स बिकम स्पॉन्जी एंड ब्लीड. जो गम्स होते हैं यानी आपके जो मसूड़े होते हैं, इस डिजीज़ में क्या हो जाते हैं, स्पॉन्जी यानी पिलपिले से हो जाते हैं और उसमें से खून निकलने लगते हैं. ज़रा सा भी आप कुछ टच करते हो या फ्रूट खाते हो हल्का सा हार्ड, तो उसमें से ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाती है. द टीथ स्टार्ट डीकेइंग एंड रेड स्पॉटेड आर ऑब्टेन अंडर द स्किन. आपके जो दांत हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे और सफ़ेद लाल रंग के चकते आपकी स्किन पर पड़ जाएंगे. इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस डिजीज वी शुड ईट इनफ सिट्रिक फ्रूट इन आर डाइट, लाइक ऑरेंज, आमला, लेमन, टोमेटो, ग्रेप्स, गुआवा, ग्रीन वेजिटेबल्स एक्सेट्रा. तो इसको बचाने के लिए, ताकि हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी ना हो, ठीक है, हमें ऐसे फ्रूट्स खाने चाहिए जो खट्टे होते हैं, या आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के नाम दिए हुए हैं, या आपके डाइट में होने चाहिए, आपके रोज के खाने में होना चाहिए. ऑल दीज आर गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन सी. ये सब बहुत अच्छे सोर्स हैं जिससे आपको विटामिन सी मिल सकता है. विटामिन डी फंक्शंस इन द बॉडी फॉर द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. विटामिन डी जो होता है वो किस चीज़ का काम करता है, कि हमारा जो कैल्शियम है वो प्रॉपर यूटिलाइज हो, यानी हमारी बॉडी में अच्छे से काम करे, और फॉस्फोरस भी. इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टीथ एंड बोन्स, और इसी के कारण हमारे टीथ और बोन जो है वो बनते हैं. द लैक ऑफ विटामिन सी कॉजेज पुअर ग्रोथ. विटामिन डी, अगर आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो आपकी ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा पुअर होगी, अच्छे से आपके ग्रोथ नहीं होगी, आपके टीथ हमेशा वीक रहेंगे, आपकी बोन्स और जो बोन्स भी बहुत ज़्यादा वीक रहेंगे, और आपके जो दांत है वो ख़राब होने शुरू हो जाएंगे. दिस डेफिशिएंसी डिजीज़ इज नोन एज रैकेट. ठीक है, और इसको डिजीज़ को क्या बोलते हैं, रैकेट चिल्ड्रन में, और ऑस्टियोमेलासिया इन अडल्ट. ठीक है, द पर्सन सफरिंग फ्रॉम द रैकेट हैज़ इरेगुलर एंड अनइवन बोन्स ऑफ द लेग. क्या होता है, कभी किसी का एक पैर छोटा हो जाता है, या कोई बोन्स में प्रॉब्लम हो जाती है, कोई बढ़ जाती है, कोई छोटी रह जाती है, वो क्यों होता है, क्योंकि बच्चे में रैकेट हो जाता है. हिज बैकबोन बल्जेस आउट एंड देयर इज नॉकिंग इन द नीज. उसके जो बैक है वो मुड़ जाती है, झुक जाती है, झुकी हुई कमर जिसकी होती है, ठीक है, और नीज में भी दर्द रहता है. दिस डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिजर्व बाय टेकिंग फूड सोर्सेज विच आर रिच इन विटामिन डी, लाइक बटर, मिल्क, फिश. तो आपको इससे, ये आपको ना हो विटामिन डी की कमी, तो आपको क्या खाना चाहिए जो विटामिन डी में बहुत अच्छे होते हैं, जैसे बटर, मिल्क, फिश एक्सेट्रा. सनलाइट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द इम्पॉर्टेंस ऑल्सो विटामिन डी. सनलाइट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विटामिन सी प्राप्त करने के लिए. विटामिन के हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग. विटामिन के किस में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग, यानी जैसे आपके चोट लग जाती है, आपका खून निकलता है, तो उसके ऊपर जो थक्का जम जाता है उसको ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं. व्हेन दिस विटामिन इज डेफिशिएंट इन फूड द ब्लड क्लॉटिंग कैपेसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस. अगर आपकी बॉडी में विटामिन के नहीं होगा तो आपकी बॉडी में जल्दी से खून रुकेगा नहीं, ठीक है, खुरंट नहीं जमेगा उस पर, और खून आपका निकलता जाएगा. दिस बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट. और अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो आपका खून रुकेगा नहीं, लगातार बहने के कारण आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है.
द वाउंड्स कंटिन्यू टू ब्लीड, जो आपके घाव होंगे वो ब्लीड करते जाएंगे। एक्सेस ऑफ ब्लड लॉस फ्रॉम द बॉडी कैन इवन कॉज टू डेथ ऑफ द विक्टिम, और ज़्यादा खून बह जाने के कारण आपकी डेथ भी हो सकती है। डेफिशिएंसी ऑफ दिस विटामिन आल्सो कॉजेस इन द क्रैकिंग ऑफ द लिप्स, आपके लिप्स में अगर क्रैक्स हैं तो विटामिन के की आपकी आप में कमी है। टू प्रिवेंट दीज डेफिशिएंसी डिजीजेज यू शुड टेक फूड रिच इन विटामिन के लाइक कैबेज, स्पिनच, फिश। तो इससे बचाव के लिए आपको कौन से फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खाने चाहिए, जैसे कैबेज, पत्ता गोभी, स्पिनच, फिश, ये सब खाना चाहिए। मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड, मिनरल्स जो होते हैं उनको प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है। क्यों? बिकॉज दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीज, हमें कई सारी बीमारियों से बचाती है। लैक ऑफ डेफिशिएंसी मिनरल्स कॉजेज डिफरेंट डेफिशिएंसी डिजीजेज, अगर अलग अलग मिनरल में आपकी आपकी बॉडी में कमी है तो आपको अलग अलग डिजीजेज हो सकती है। डेफिशिएंसी ऑफ आयन इन द डाइट रिजल्ट इन अनेमिया, अगर आयन की कमी है तो आप में अनेमिया हो सकता है। दिस डिक्रीजेज द हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, जो आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है ब्लड में उसको कम कर देता है। एंड अनेमिक पर्सन हैज़ अ पेल एंड टायर्ड लुक, उसका चेहरा हमेशा पीला पड़ा रहता है और जो लुक है वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता है, मतलब थका थका रहता है हमेशा। द पेशेंट हैज़ कलरलेस लिप एंड ऑफन फील फटीग, और उसके लिप्स जो है वो कलरलेस हो जाते हैं, पिंक कलर चला जाता है लिप्स से और हमेशा उसको थकान रहती है। टू प्रिवेंट दिस डिजीज द फूड आइटम विच आर रिच इन आयन लाइक ब्रिंजल, एप्पल, बनाना, स्पिनच, गुआवा, पल्स, मीट एंड लिवर शुड बी टेकन, तो ये सब खाना चाहिए आपको ताकि आपको डिजीज ना हो। फोलिक एसिड एंड आयरन टैबलेट्स कैन ऑल्सो बी गिवन इफ एडवाइज बाय द डॉक्टर, एक फोलिक एसिड और आयरन टैबलेट्स आती है, ठीक है, तो वो एक्सटर्नल सोर्स होता है आपको आयरन लेने का, मगर ट्राई करिए कि अभी हम लोग बच्चे हैं तो फूड में से ही लेंगे, क्योंकि ये सब होते हैं जब बड़े हो जाते हैं या फिर उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है कि वो आयरन फूड नहीं ले सकते तो हम टैबलेट्स का इस्तेमाल भी करते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कॉजेज वीकनिंग ऑफ बोन्स एंड टीथ, अगर कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी है आपके बॉडी में तो क्या होगा, आपके जो टीथ हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे, बोन्स जो हैं बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगी। लैक ऑफ आयोडीन इन फूड कॉजेज अ डेफिशिएंसी डिजीज कॉल एज गोइटर, और अगर आपके अंदर आयोडीन की कमी है तो एक डिजीज़ हो जाती है जिसको बोलते हैं गोइटर, जो गले में हो जाती है, गला फूल जाता है उसमें। द डिजीज्ड पीपल हैड अ लार्ज स्वेलिंग इन द नेक, और उसका गला जो है वो पूरा सूज जाता है, बहुत बड़ी स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। दिस डिजीज इज़ रिलेटेड टू थायरॉयड ग्लैंड, और ये जो डिजीज़ है ये थायरॉयड ग्लैंड से जुड़ी हुई है। दिस डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाई टेकिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ आयोडीन, और इससे कैसे बचा जा सकता है कि आप प्रॉपर जितना आपका बॉडी को चाहिए उतना आयोडीन आप लें इन फूड खाने में। फॉर एग्ज़ाम्पल वी शुड ईट आयोडाइज सॉल्ट इन फूड, और वो कैसे ले सकते हैं, जैसे आप अपने खाने में आयोडाइज नमक का इस्तेमाल करते हैं, जो टाटा नमक आता है आयोडाइज नमक। वी शुड ऑल्सो टेक सी फूड सच एज फिश, प्रॉन, कैब्स, क्रैब, और हमें सी फूड खाना चाहिए, मतलब जो जानवर हमारे समुद्र में होते हैं उनको खाना चाहिए, जैसे फिश हो गया, झींगा हो गया, केकड़ा हो गया, ये सब। ऑल दीज हैव ग्रेट आयोडीन कॉन्टेंट, इन सब में बहुत ज़्यादा आयोडीन पाया जाता है। तो आपका बेटा चैप्टर जो है वो यहीं पर फिनिश होता है।